दोस्तों, आप भी कंफ्यूज में हैं कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या फिर साइंस लें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि वो वीडियो जो है काफ़ी नॉलेजेबल है और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पे जैसे आप सब्जेक्ट के बारे में, तो आप 10th करने के बाद आपको तीन प्रकार का सब्जेक्ट हो रहता है लेने के लिए, जिसमें साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया। लेकिन हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में, मैं बिहार और उत्तर प्रदेश का इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ही देखते हैं, हमारे यहाँ पे धारणा है जैसे कि साइंस लेगा लड़का या फिर डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपका जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखाइए। ये मत देखिए कि हमको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, ऐसा स्कोप नहीं है। साइंस मान लीजिए आप 12th के बाद साइंस लेना चाहते हैं, बिल्कुल अगर आपका रुचि है साइंस में, फिजिक्स आपका बढ़िया है, आपका केमिस्ट्री बढ़िया है और आपका बायोलॉजी बढ़िया है, तो आप बायो ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बिजनेस लाइन में आ सकते हैं, उसके लिए आप कॉमर्स ले सकते हैं, या फिर अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉमर्स ले सकते हैं। और बहुत सारे अकाउंटेंट के काम, एडिटिंग का काम कॉमर्स में होता है, बिजनेसमैन, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसके लिए आप कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आप जैसे नॉर्मल सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपना आर्ट्स लेके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सारा सब्जेक्ट बढ़िया है, आर्ट्स भी बढ़िया है, कॉमर्स भी बढ़िया है और साइंस भी बढ़िया है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बढ़िया लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप 10th में हैं और आपका मैथ बहुत बढ़िया नहीं है और आप घर के प्रेशर में आके जबरदस्ती मैथ ले लिए, तो क्या आपको लगता है कि आप आगे आने वाले समय में आप उस सब्जेक्ट को झेल पाएंगे या फिर आप सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए सोच समझ के निर्णय लें। और आप मान लीजिए आपका मैथ कमज़ोर है तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं अगर आपका बायो सही है तो। अगर मान लीजिए आपको बायो में इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि हम अपना खुद का बिजनेस खड़ा करें या फिर अकाउंटेंट बने या फिर एडिटिंग का काम करें या फिर बिजनेस में आए, तो इसके लिए आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में ऐसा बहुत सारे चीज़, जैसे मैं खुद एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं नहीं तारीफ कर रहा हूँ कॉमर्स का, लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट में आप चाहें सब सब्जेक्ट में आ सकते हैं, सब सब्जेक्ट अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं। आर्ट्स, आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में भी बहुत सारे हैं, आर्ट्स में आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स लेने वाले जो होते हैं सब मूर्ख होते हैं, नहीं पढ़ने वाले होते हैं, बिल्कुल ऐसा आपका सोच गलत है। और जो आर्ट्स लेता है उसको सब सोचता है कि जैसे ये पढ़ने वाला लड़का नहीं है तभी आर्ट्स लिया है, ये भी धारणा बहुत गलत है। और आर्ट्स आप लेते हैं तो आप लिए इंग्लिश में लिटरेचर उसमें तो पढ़ना ही रहता है, तो आप लेक्चरर बन सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपको इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट रहते हैं उसमें। और आप जैसे कॉमर्स लेते हैं तो उसमें आपको 12th में आप जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट रहेगा अकाउंटेंट, दूसरा रहेगा बिजनेस स्टडी, तीसरा रहेगा इंटरप्रेन्योरशिप या फिर इकोनॉमिक्स, और ये तीनों सब्जेक्ट रहते हैं। और हिंदी इंग्लिश तो आपको रहता ही है। और साइंस में आप अगर मान लीजिए मैथ लेते हैं, मैथ अगर लेते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट रहेंगे और हिंदी इंग्लिश तो रहता ही है। अगर आप ये देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे कर सकते हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट में रुचि है, आजकल का दुनिया ऐसा है कि आप कोई भी सब्जेक्ट में रहें आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका मैथ अच्छा है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर साइंस अच्छा है तभी बढ़ सकते हैं या फिर अकाउंट अच्छा है तभी बढ़ सकते हैं। नहीं, आज का दुनिया बहुत अलग हो गया है। आप जो चीज़ में रुचि लगते हैं, मान लीजिए आपको इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप चाहते हैं हम फैशन डिजाइनर बने या फिर मॉडल बने या फिर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बन सकते, उससे भी बहुत काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। जैसे
आप इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम से भी आप पैसा कमा सकते हैं, फेसबुक से भी कमा सकते हैं, यूट्यूब से भी कमा सकते हैं, उसके तरीके होते हैं। आपको इन सब चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है तो आप इन सब चीज़ों में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। और आपको आर्ट डिज़ाइनिंग है, इस सब में आप जा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही सब चीज़ें में रहना है जो बहुत दिनों से चली आ रही है। आज का ज़माना ऐसा है कि आप कोई चीज़ में अगर एक्सपर्ट हैं, आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, उस चीज़ पे आप कंसंट्रेट करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप दोस्तों हमें कमेंट में बताइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे और आपको क्या आगे करना है। और आप चाहें तो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है वही आगे जीवन में बढ़ सकता है, और जो कम है, कमज़ोर है, उसको नहीं आता, वो नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल ये धारणा गलत है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।